हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड लगभग अभी बजे हैं सुबह के 11। अभी मैं रूम में बैठा था तो पटाखे भी लाने हैं, तो अभी मैं पटाखे लेने जाऊंगा बच्चों के लिए, थोड़े से अपने लिए। तो थोड़ा बहुत सीन हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे कैसी दुकान है यहाँ पर। फिलहाल हम जो है पटाखे लेने चलते हैं, चलो फटाफट मिलते हैं आपको दुकान पर जाके। कल को दिवाली है और आज पापा ने मेरे ये पटाखे लेके आए बहुत सारे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी लेके आ सकते हो, चाहे अभी लेके आ सकते हो वीडियो देख के, चाहे कल को लेके आ सकते हो। और ये बहुत सारे पटाखे है, ये वाले हैं, ये इनके ये। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे पटाखे लेके आए। ये देखो गाइस, आपको दिख रहे नहीं होंगे, ये देखो ये सारे मेरे यार कुछ कुछ पापा के हैं, तो इसे यहाँ पे फिट कर देते हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं। चलो सबसे पहले आपने ये वाली तो देख ली है, और अभी से साइड में रख दो। अब ये वाली आते हैं, ये फूजली है, फूजली जो होता है, ये दोनों है फूजली। ये मेरे है, और ये दक्षी के छोटे छोटे, पर मैं ही जलाऊंगी क्योंकि दक्षी अगर इससे ले लेगा तो उसके हाथ में वो ये पटाखे, जो कि ये पापा का है बहुत बड़ा। और ये मुझे भी नहीं पता, वैसे पापा को पता होगा, पापा से पूछेंगे। और ये बहुत बड़ा है पापा का टाके सा, जिससे आवाज आ रही है ना वहाँ पे, अभी नहीं आ रही है, पहले आ रही थी टिंकर की वो वाली है, ये आवाज। और ये है चक्री, चक्री ये अलग है, ये एक ये मुझे भी नहीं पता, वैसे भी खोल के देखा था, तो मैं आपको भी दिखा दूँ, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये सारे वही है, ये देखो, ये मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना कि ये है क्या वैसे। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा पापा जी को भी, चलो देखेंगे। और अब आती है इसकी बारी, इसको खोलना है क्या, इसमें ट्राई करती हूँ खुल मेरे गाइस, इस पर टेप लगी हुई है, तो हम आपको कल को दिखाएंगे है क्या ये। और इसमें मैंने ये भूल गई दिखाना, जो कि ये है एक फूल जरी जैसी है, इसमें करते हैं तो कुछ ऐसे ही हो जाता है ऐसे, ये अनार है वैसे। और जो मैं आपको कह रही थी अभी हम खोल के नहीं, वो हम आपको कल को दिखाएंगे, पर हमने सोचा कि आज ही दिखा देते हैं। ये मैंने खोल दिया, ये कुछ अलग है, ये वाला दिखाता है, ये उससे ज़्यादा अलग है जो ये वाला कह रही थी मैं। देखो ये ऐसे ही है, सेम टू सेम बहुत सारे। और अभी हम नीचे जाएंगे शाम को, तो फिर हम आपको दिखाएंगे, हम फूल जड़ी चलाएंगे जो इसमें से कोई से भी क्या दूसरे में से, तो तब दिखाएंगे हम आपको अभी पटाखे सब। बाय बाय। तो गाइस पटाखे तो मैं लेके आ चुका था, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अभी शाम हो चुकी है। अभी हमारा एक प्लान और है कि जैसे आप सब जानते हैं धनतेरस वाले दिन नए बर्तन झाड़ू वगैरह खरीदते हैं, तो उसके लिए हम जा रहे हैं मार्केट में बाहर, अभी आपको दिखाएंगे। एक दो सामान और लेके आना है, जैसे तस्वीर होते हैं जो गणेश जी की और लक्ष्मी माता की, एंड माता जी के चरण जो नीचे भी लगाते हैं हम फरस वगैरह पे। तो देखते हैं आजकल भीड़ कितनी है बाज़ार में, सभी आपको उस ब्लॉग में दिखेगा आगे आगे। तो हम अभी जा रहे हैं बाहर, देखते हैं सामान प्रॉपर मिलेगा या नहीं। हेलो गाइस, हैप्पी धनतेरस, और अभी हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने, तो चलिए आपको भी लेकर चलेंगे। उससे पहले आप हमारे घर की छोटी सी डेकोरेशन देखिए और कमेंट करके बताना अच्छी कैसी लगी, लग रही है, बुरी लगी या कुछ सुधार करना चाहिए।
तो हम नेक्स्ट ईयर सुधार करेंगे, क्योंकि अब की बार तो जैसा होना था हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की डेकोरेशन, छोटी मोटी जो भी हमारे घर में है फिलहाल। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा मेन गेट, यहाँ पे एंट्री होती है। एंड ये रही मन्नू और ये रहा दक्की। एंड घर के अंदर कुछ छोटी मोटी सजावट हमने लड़ी वड़ी ऐसे लगा रखी है। तो ये रही यहाँ पे लड़िया, और ये सब मेरी वाइफ का करा धरा है, जितना भी है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मंगाने का हाथ तो आप ही का ही है। हाँ, बेशक ऑर्डर मैंने किया था। तो बस यही है छोटी मोटी सी, बाकी बाहर आपको दिखाते हैं एक बार। बाहर हमने जो है जाल पे ये लड़ी लगा रखी है, देखो इधर, और ये अपार्टमेंट वालों की है जो लंबी सी लड़ी लटक रही है। बाकी बस ये है। तो गाइस, हम आए थे यहाँ पे पूजा की दुकान पे, पूजा शॉप, बट भीड़ होने के कारण हम जो है वापस जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है अंदर। तो फिलहाल चले, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट दिवाली के टाइम कैसी मार्केट रहती है। आई होप कि आप इंजॉय करोगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है धनतेरस है, तो हम धनतेरस पे एक नया बर्तन खरीदेंगे, एंड झाड़ू। तो बर्तन की दुकान पर हम आ चुके हैं, अभी ये देखना है कि हम खरीदेंगे क्या, आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस, हमने लिया है ये, लेने कुछ और आए थे हम। हाँ, लेने तो कुछ और आए थे, बट ये बर्तन हमें अच्छा लगा घी रखने के लिए, ये हमने ले लिया है। अभी जो हमें सामान लेना है वो हम भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, फाइनली हम घूम फिर के जो है अपने घर के पास वाली दुकान पे आ चुके हैं, क्योंकि जो हमें सामान चाहिए था वहाँ पे नहीं है, और पूजा वाली दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो हमने प्लान किया कि हम कल मॉर्निंग में जाएंगे। फिलहाल हमारे पीछे एक दुकान है बर्तन की, देखते हैं कि यहाँ पर वो सामान मिलेगा या नहीं। और उसकी मम्मी तो जा रहे हैं, ये देखे दीवे वगैरह भी मिल रहे हैं, झाड़ू भी हमें लेनी है, जैसे कि धनतेरस है, जैसे अंकल ने उठा रखी है झाड़ू। एंड अंदर ये दुकान है, तो चलिए हम सामान लेके उसके बाद मिलते हैं आपको। झाड़ू यहाँ से ले लेंगे और जो हमें सामान चाहिए वो आई होप कि यहाँ पे मिल जाए। तो गाइस, हमने ये वाला सामान लिया है यहाँ से, जिसके हम बहुत देर से तलाश कर रहे थे। हमारा अपार्टमेंट है जो बाहर से इतना सुंदर दिखाई दे रहा है।
तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है एंड फाइनली में आ चुके हैं घर। जो भी हम सामान लेके आए हैं मन्नू आपको करेगी एक्सप्लेन अपनी तरफ से, तो चलिए मिलते हैं मन्नू के साथ आपको। तो गाइस मन्नू जो है सामान निकाल रही है। हाँ दक्ष को भी चाहिए, दक्ष भी अनबॉक्सिंग करने करेगा। ये देखिए दोनों भाई बहन जो है जीत करेंगे, लड़ेंगे। और ये तो टेबल पे जाने को तैयार नहीं, नीचे ही बैठ गए। चलो भाई यही दिखा दो जल्दी जल्दी से दिखाओ। और एक ये है, तो ये है एक 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 ये बर्तन पतीली है घी रखने के लिए, घी रखने के और ये छौंकने के लिए है। और एक ये ओके ये दक्ष का टिफिन है। हाँ ये दक्ष का टिफिन है। क्या है ये? और ये देखिए ये तो बर्तन फ्रिज में फिट करने लग गया है दक्ष। नो पापा बेटी पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं और सेम हो रहे हैं, ब्लैक ब्लैक और ब्लू ब्लू। ये हैप्पी दिवाली। और ये फुलझड़ी है हमारी दिवाली की पहली फुलझड़ी। फिर बड़ी बड़ी फुलझड़ी है ना ये। बहुत बड़ी फुलझड़ी है। तो चलिए हम फुलझड़ी चढ़ाते हैं। तो फुलझड़ी वो जलाने की तैयारी की जा रही है और दक्ष बहुत खुश है। और ये दक्ष बहुत डर रहा है। क्या हो गया दक्ष? दक्ष तो डरने लग गया, फुलझड़ी हो गई खत्म। फुलझड़ी हो गई है और दक्ष बहुत डर रहा है। हमें नहीं लगता ये हमें सेलिब्रेशन करने देगा। नहीं डर रहे हो आप? वाई वाई दक्ष स्कैर्ड। हैप्पी दिवाली। और ये दक्ष, दक्ष आ जाओ आप भी आओ, कम कम कम। आखिरकार दक्ष धीरे धीरे हिम्मत कर रहा है। वैसे ये बहुत डर रहा है बम की आवाज से, तो हम देखते हैं कल ये क्या करने वाला है, कल और परसों। नाइस। फुलझड़ी छूट चुकी है और कैसा लगा फुलझड़ी छुटा के? सैंपल खाए गाइस, एक सैंपल, बाकी देखते हैं थोड़ी देर में, कल छुटाएंगे बढ़िया करके। ये सैंपल था ओनली। ओके हाँ, तक की मांग रहा है और चाहिए उसे। तो चलिए दक्ष तो ऐसे ही करता रहेगा, मिलेंगे हम आपको। और हमें मुझे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाइस मन्नू आपसे कुछ बात करना चाहती है, आई डोंट नो व्हाट, तो कर लीजिए आप बात। हाय फ्रेंड्स, अभी हम खाना खा के फिर हम जाएंगे क्यारा दीदी और के घर, फिर हम नीचे जाके हम पटाके आपको दिखाएंगे। ये जूते दिखा रहा आपको। इसके जूते देख लो गाइस आप। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रवियर के यहाँ पे एंड अपार्टमेंट हमारा कुछ इस तरह से सज गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिवाली का फेस्टिवल होता ही ऐसा है, लाइटिंग का फेस्टिवल है, तो हर जगह लाइट ही लाइट लगी हुई है। एंड ये रहे बच्चे यहाँ पे। हेलो ओके गाइस, sometimes inhale your smoke but you still act surprised it's not I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet I got your number won't you pick up the phone Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met Just
jumping in the pool, talk to you. हम घर से आ गए हैं और हम आपको मिलेंगे अब कल को, और ये आज की वीडियो एंड कर देते हैं यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर। I look at you and it's easy to see, you are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone?